الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من توضأ فأحسن الوضوء جس آدمی نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا جو سنت کا طریقہ ہے اس کے مطابق کیا وعاد اخاہ المسلم اور اس کے بعد اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی بیمار کی عیادت کی بھائی ہو بہن ہو مرد ہو یا عورت ہو یہی عورت کے لیے بھی ہے کہ اگر اس نے ایسے کیا وضو کیا اور وضو کے بعد پھر کسی بیمار کی تیمارداری کی عیادت کی محتسبا اللہ کے لیے صرف کہ اس کا ثواب اجر اللہ سے لوں گا داد لینی شاباش لینی نام بری یہ مقصود نہیں ہے کہ تصویر کھنچ جائے میڈیا میں نشر ہو جائے ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے اس کی نیت نہیں ہے ویسے ہی کھینچ دے اور کوئی نشر کر دے وہ بات اور ہے اس کے دل میں یہ چیز نہیں ہوتی یہ صرف اللہ کے لیے کرتا ہے کہ میرا رشتہ دار ہے میرا پڑوسی ہے میرا جاننے والا ہے یا چلو اجنبی ہی صحیح پوچھ لوں گا تو کوئی حرج نہیں اس کا دل خوش ہوگا اس کا اس کی نیت بس اتنی ہو کہ میں اس کا اجر اللہ سے لوں گا کیونکہ جب میں جاؤں گا یہ خوش ہوگا اس کا دل خوش ہوگا اس کے تیمارداروں کا دل خوش ہوگا حوصلہ بڑھے گا تو یہ سب چیزیں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو جب یہ اس طرح کرے گا صرف اللہ ہی کے لیے اور کوئی اس کا مقصد اور دوسرا نہیں ہوگا تو ارشاد فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان بُعِدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَهَنَّمْ يَا وَبَيْنَ جَهَنَّمَ سِتِّينَ خَرِیفَ او کما قال علیہ السلام کہ 60 سال کا فاصلہ دوری کر دی جائے گی اس کے اور جہنم کے درمیان جہنم اس سے اتنا بعید ہو جائے گا معمولی سا عمل ہے بغیر وضو بھی کرے گا تو ثواب اجر ملے گا لیکن اگر وضو کر کر جاتا ہے اور اہتمام کرتا ہے تو پھر یہ اس کو اجر ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا اس کو تحفظ حاصل ہو جائے گا اللہ کے یہاں آخرت کے اعتبار سے اتنی بڑی اس کی حفاظت کا انتظام ہوگا کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 60 سال کا فاصلہ کر دیا جائے کیونکہ تیمارداری جو ہوتی ہے اس سے دو قسم کے فائدے ہوتے ہیں مریض کو سب سے پہلا فائدہ اسے جسمانی ہوتا ہے اور روحانی ہوتا ہے کہ ملتے ہی دیکھتے ہی اس کا ایک دل خوش ہوتا ہے
उसकी घबराहट में कमी आती है, उसकी परेशानी हल्की होती है, ये उसके रूह पर असर पड़ता है, उसके दिल दिमाग पर असर पड़ता है। तो दिल दिमाग पे असर जब पड़ेगा, जब रूह पे पड़े, ये सब रूह के ताबे हैं। तो ये जो रूहानी सुकून है, ये उसके जिस्मानी निज़ाम पर भी असर डालता है, उसकी जिस्मानी सेहत में भी फ़र्क पड़ता है, उसका हौसला बढ़ता है, उसकी अंदर की क़ुव्वत मुदाफ़ात में इजाफ़ा होगा इस खुशी से, इस राहत से। दवाओं की तासीर में भी मदद मिल जाएगी, क्योंकि अंदरूनी तौर पर अगर इंसान मजबूत हो जहनी और दिली तौर एतबार से, तो दवा में भी आसानी होती है, डॉक्टरों को भी आसानी होती है इलाज में। तो उसको चूँकि रूहानी फ़ायदा भी पहुँचा इसके इस अमल से, और रूहानी फ़ायदे के साथ साथ उसे जिस्मानी फ़ायदा भी पहुँचा। अगर वो बेहोश है तो फिर तो उसे पता ही नहीं कि आप आए नहीं आए, लेकिन फिर भी अजर मिलेगा, इसलिए कि उसके जो तीमारदार हैं ये असरात उस पर भी पड़ते हैं आपके जाने से, वो बहुत खुश होते हैं, उनका भी हौसला बढ़ता है और दिल से दुआ निकलती है उनकी। बीमार भी दुआ देता है, तीमारदार भी दुआ देते हैं, कुछ भी ना करें खुश होते हैं। ये खुश होना उनका ये भी एक माने रखता है, किसी परेशान हाल के दिल को खुश कर देना या उसका बोझ कम कर देना, ये बहुत बड़ा काम है, इससे तो आपके बहुत बड़े दर्जे बुलंद होंगे अल्लाह के। लेकिन उसका दिल खुश करना, उसका बोझ कम करना, उसे खुशी पहुंचाना, ये नियत हो कि ये मैं सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, इसका बदला मैं इससे नहीं लूँगा कि मैंने इसे खुश किया, ये भी मुझे खुश करे कल को। अगर साथ में तोहफा ले गया उसके हस्बे हाल, ये नहीं कि तोहफा ले जाए ऐसा कि खट्टे शरबत ले जा के बोतलें उसके सामने रख दे, वो तो चख भी नहीं सकता, मर जाएगा बेचारा। उसके हस्बे हाल मरीज के या तीमारदारों के, क्योंकि तीमारदारों की भी ज़रूरत होती है, उन्हें खाना पीना नाश्ता उनकी ज़रूरत होती है, तो उनके या उनके हस्बे हाल चीज़ दे दी, कुछ भी ना दिया नकद दे दिए, ये सबसे अच्छा है, क्योंकि नकद की सूरत में उसकी जो ज़रूरत होगी वो पूरी कर लेगा वो, आपने तो अपने हिसाब से चीज़ ले गए, लेकिन हो सकता है उसे उसकी ज़रूरत ना हो या उसे वो मुआफ़िक ही ना हो, आपने उसे हदिया दिया, उसके तीमारदारों को दे दिया, अगर वो होश में नहीं है, बीमार है, वो संभाल ही नहीं सकता, आपने उसे पकड़ा दिया, कोई और ले जाएगा उठा के उसके बिस्तर से, तो ज़िम्मेदार के सुपुर्द किया, तो ये तो और ज़्यादा इजाफा होगा, वो सवाब तो मिलेगा, इन चीज़ों से और ज़्यादा अजर सवाब बढ़ जाता है। तो सवाब कमाने की चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बताई हैं, सिर्फ सवाब ही नहीं है, इसके माशरती फवायद बेशुमार निकलते हैं। फिर जिस माशरे में ये चीज़ होती है उस माशरे में बहुत सारी खुशगवारियाँ पैदा हो जाती हैं, और बहुत सी नागवारियाँ अगर हों तो वो भी दूर हो जाती हैं। अगर नाराज़गी थी किसी वजह से, तो ये बीमारी, ये तीमारदारी, ये बहाना बन गई उनको धोने का, वो नागवारियाँ धुल जाएंगी, तो फिर खुशनुमाई आ जाएगी। रिश्तेदार हैं तो बिरादरी में खुशगवारी आ जाएगी, महल्लेदार हैं तो महल्ले के माहौल में खुशगवारी पैदा हो जाएगी। बिल्कुल गैर है और जाकर करता है खिदमत, अस्पतालों में जाके पूछता है, तो भी खुशगवारी पूरे माशरे में आएगी, क्योंकि उन्हें फ़ायदा हो रहा है, वो माशरे के फ़र्द हैं। और ये तो आ गया है, उन्हें पता भी नहीं कौन था ये करके चला गया, इसे तो अल्लाह अजर देंगे, दुनिया में भी देंगे और आखिरत में भी देंगे। तो आखिरत का अजर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, इसलिए कि असल तो आखिरत ही है, अंजाम आखिरत है, इसलिए वो नबी अलैहिस्सलाम इहतमाम से बताते थे, ताकि हमेशा की बर्बादी से बचकर हमेशा की राहत में चला जाए इंसान। तो दुनियावी फ़ायदों की नफ़ी नहीं है कि अगर ये आखिरत का फ़ायदा बताया तो इसका मतलब है दुनिया का फ़ायदा इसमें नहीं है, वो तो है,
तवज्जो मरकूज कर रहे हैं कि अपने अंजाम की तरफ, आखिरी चीज़ जो आखिरी नफ़ा, उस पर नज़र रखो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, तीमारदारी के फ़ायदे बताए, बीमार को पूछने के फ़ायदे बताए, उसकी बरकत, उसकी रूहानी और उसकी जिस्मानी, उसकी माशरती, माशरती का मतलब मादी, तो मादी फ़ायदा भी हो गया, तो रूहानी फ़ायदा भी है, मादी फ़ायदा भी है, दोनों किस्म के फ़ायदे। अबू दाऊद शरीफ की यह हदीस है जिसे हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला ने रिवायत किया है। अल्लाह ताला हमें और आप सबको दीन पे चलने की और उस पर अमल करने की तौफीक दे, हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए और आखिरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात और उनका साथ नसीब फरमाए। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।